अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बुक रीडिंग ऑफ पेज नंबर 92। लास्ट टाइम वी हैड डन द बुक रीडिंग ऑफ पेज नंबर 91। हम लोग यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रिसिटी को रीड कर रहे हैं डिटेल से, तो आज हम इसका पेज नंबर 92 रीड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सब क्या हैं? ऑल दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, यानी कि एक एटम के छोटे छोटे ज़रात हैं जो मिलकर एटम को बनाते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ एन एटम एंड दे मेक अप द न्यूक्लियस। के जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, सेंटर में होते हैं। सॉरी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे ऑल आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ एन एटम, और फिर जब ये सेंटर में होते हैं तो हम उस सेंटर को न्यूक्लियस कह देते हैं। न्यूक्लियस मीन्स मरकज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करते हैं पार्टिकल्स, उन्हें हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द चार्जेस दे कैरी। कि वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? सिर्फ और सिर्फ चार्जेस की वजह से जो उनके ऊपर होते हैं, वरना हम तीनों को कहते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही हैं ना। सो द फर्स्ट वन, प्रोटॉन्स कैरी द पॉजिटिव चार्ज। आपने याद रखना है पी है प्रोटॉन्स, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैरी द नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन एंड नो चार्ज। ठीक है, इस तरह से आपने इन्हें मेमोराइज कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास एटम के पूरे स्ट्रक्चर को डिटेल से उन्होंने बता दिया है कि जो एक एटम का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके दरमियान में होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और सॉरी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उसके साइड्स पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और दरमियान में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिहेव फैसिनेटिंगली, यानी कि बहुत हैरानकुन तौर पर ये जो है ना बिहेव करते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स विद द ऑपोजिट और डिफरेंट चार्जेस, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव विल अट्रैक्ट और पुल टूवर्ड्स वन अनदर। किस में बेटा क्या होगा कि यहाँ पर अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हों विद डिफरेंट चार्जेस, अगर उन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, मीन्स कि आप हियर यू कैन सी द डायग्राम, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्या होगा, दोनों सेम चार्जेस होंगे, दो ही नेगेटिव होंगे, दो ही पॉजिटिव होंगे, तो ये लाइक चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑब्जेक्ट्स विद द सेम चार्जेस, टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव्स विल रिपेल और पुश अवे फ्रॉम वन अनदर। बहुत सिंपल सी बात है कि जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अगर ऑपोजिट हो जाएंगे तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर सेम होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, नाउ टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स कौन सी हैं? यूजुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, सो द चार्जेस आर बैलेंस्ड। इन अदर वर्ड्स द एन एटम हैज़ नो चार्ज एंड इट इज़ सेट टू बी न्यूट्रियल। वो कह रहे हैं कि आम तौर पर बेटा होता ये है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि अगर आपके पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, तो चार ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो मीन्स ये कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो सब एक दूसरे के इफेक्ट को जो न्यूट्रल कर देते हैं, और हम एटम को न्यूट्रल कह देते हैं। बट वेन एनी मैटर कम्स इंटू कॉन्टैक्ट विद वन अनदर मैटर, द इलेक्ट्रॉन्स बिहेव डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू थिंग्स रब अगेंस्ट ईच अदर, द इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री टू मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इन दिस मूवमेंट इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स आपस में लेके उन्हें आपस में रब करते हैं ना, तो उनके रब करने की वजह से जो उतने हर चीज़ आपको पता है मैटर है, एंड द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। तो जब आप दो मैटर को आपस में रब करेंगे तो डेफिनेटली उसके एटम्स भी एक दूसरे से रब होंगे। तो इस सिचुएशन के दौरान ये हो सकता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो निकल कर दूसरे एटम में चले जाएँ, तो डेफिनेटली जहाँ पर वो जाएँगे डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करेंगे। जहाँ से निकल कर गए हैं वहाँ से नेगेटिव चार्जेस कम हो गए हैं, और जहाँ पर वो गए हैं जिसके अंदर वो एंटर हुए हैं जिस एटम के, वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए हैं। तो जो ये जो डिस्टर्बेंस होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, बेसिकली यही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, करंट एंड स्टैटिक। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे पास, हम उन्हें दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी डैट कैन बिल्ड अप इन वन प्लेस और फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इलेक्ट्रिसिटी बेटा होती क्या है कि ये एक ऐसी टाइप है जो एक जगह से दूसरी जगह
इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो इसे हम इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं. यही इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है, दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे हम इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं. ठीक है, सो डू यू नो वाला आप पेज, ये साइड पर आप पैराग्राफ देख रहे हैं येलो बॉक्स में. यू नोटिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली इन ड्राई कोल्ड वेदर. ड्यूरिंग द समर द एयर इज मोर ह्यूमिड, द मॉइस्चर इन द एयर हेल्प्स द इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम यू क्विकली, सो दे कैन नॉट बिल्ड अप द बिग स्टेटिक चार्ज. वो कह रहे हैं कि आपने क्या किया होगा कि जो मोस्टली स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टेटिक मीन्स क्या होता है बेटा, साकिन, जो मूवेबल नहीं है. यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो सिर्फ एक ही जगह पे क्रिएट हो और एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर कर ना जाए, उसे हम स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं. और वो अब आपको इसमें ये बता रहे हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली हम ड्राई कोल्ड वेदर में ही उसे ऑब्जर्व करते हैं. क्यों? क्योंकि ड्राई कोल्ड वेदर में जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती. तो जो जब वेदर ड्राई और कोल्ड नहीं होगा तो मूवमेंट एयर ज़्यादा होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही जगह पर स्टेटिक नहीं रह पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी. ठीक है, सो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट पेज नंबर 92. आपने इसे अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है एंड आई एम गोइंग टू शो यू द वर्ड्स मीनिंग्स. ये वर्ड्स मीनिंग्स हैं, आप यहाँ पर इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो. मैं ज़रा रिपीट कर रही हूँ, ये वो वाले वर्ड्स मीनिंग्स हैं जो पूरे चैप्टर के थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स हैं. इनमें से मोस्टली आपको आते भी होंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि बुक पर इसे हाईलाइट करके अंडरलाइन करके जैसे भी आप मार्क करते हैं आपने मार्क कर लेने, ताकि जब आप रीडिंग करें तो हर वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको क्लियरली आपके माइंड में आपको पता हो. कंडक्टर्स, वो अशिया जिनमें से बिजली गुजर सके, बिजली मीन्स करंट. इंसुलेटर्स, वो अशिया जिनमें से बिजली ना गुजर सके. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही कहते हैं इसे और मरकज भी कहते हैं, यानी कि दरमियान वाला हिस्सा. रिपेल, पीछे धकेलना. न्यूट्रियल, जिस पर कोई चार्ज ना हो, मींस के पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल इक्वल हो जाएं और वो सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दें. लास्ट वन इज इम्बैलेंस्ड. लास्ट वन क्या है? इम्बैलेंस्ड मींस गैर मुतवाजन, यानी कि डिस्टर्बेंस हो, इक्वल इक्वल ना हो. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट. स्टेटिक मीन्स साकिन, जो मूवेबल ना हो, रब, रगड़ना. लाइटनिंग, आसमानी बिजली. कोम, कंघी. स्पार्क, चिंगारी निकलना. ठीक है बेटा, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक रीडिंग ऑफ पेज नंबर 92. आपने इसे अच्छी तरह से रिवाइज करना है. सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर.